The scope of supply chain management after any pharmacy degree or any healthcare degree in Australia. So at the moment, it is not in the PR list. Okay, so अगर आप यहाँ पर supply chain management का course करने आते हो तो आपको PR नहीं मिल पाएगा. Okay, but this is a good course और high demand course है ये, और यहाँ पर job मिलने के बहुत सारे chances हैं. And अगर आपने pharmacy की degree किया हुआ है, and then definitely there is a good chance for you to get a job even in pharmaceutical industry or in pharmacy also. Okay, but to get PR is very very important to get a job. ठीक है, अगर आपने course complete कर लिया, आपको job मिलने के लिए अगर आपके पास PR है तो 100% chance रहेगा. आपके पास अगर PR नहीं है तो kind of 50-50, because company do not want to sponsor the visa. Okay, तो इस केस में आपके लिए जो है, अगर आपने ये सारा पैसा खर्च किया और आपको PR नहीं मिला तो फिर ये डिफिकल्ट में आप आ जाएंगे. और इसका स्कोप जो है बहुत ही वाइड है. आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आप जो है सप्लाई चेन के अंदर यू कैन अप्लाई द जॉब, तो जॉब मिल जाएगी. मगर PR के लिए क्या करना चाहिए आपको, इफ़ यू आर ए बैचलर डिग्री होल्डर, इफ यू कंप्लीट योर बैचलर ऑफ फार्मेसी, सो एट एकेडमिकली वी कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर A to Z process, simultaneously so you can come to pursue your Master of Supply Chain Management. तो आप वो कोर्स को करते रहो, साथ में आपको क्या करना है कि आपको EPC से अपना असेसमेंट करवाना है, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल से, एंड साथ में आपको जो है अपना CAPS एग्जाम पास करना है. एंड इंग्लिश तो आपने पहले ही पास किया हुआ होगा, बिकॉज यू आर कमिंग ऑन स्टडी वीज़ा. इन दैट वे कि आपको PR भी मिल जाएगी फार्मासिस्ट की बेस पर, कैप्स के बाद में और सप्लाई चेन के बाद में आपको जॉब तो मिलने के चांस है. तो आपके पास बेसिकली दो चांस रहेंगे, इफ़ यू वांट टू वर्क इन फार्मेसी यू कैन वर्क एज ए फार्मासिस्ट, और जो आप मास्टर डिग्री करने आ रहे हो सप्लाई चेन में उसमें भी जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर आपको PR पहले ही मिल जाती है. सो दैट एकेडमिकली वी आर हियर टू हेल्प यू. सो इफ यू नीड एनी असिस्टेंट कॉन्टेक्ट अस टुडे, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू explain you in my other video. Thank you. Bye.